प्रदेश के वित्तीय हालातों को लेकर श्वेत पत्र लाने पर आज उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी की अध्यक्षता में उनके कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। प्रदेश सरकार की ओर से इस संबंध में कैबिनेट उप समिति का गठन किया गया है, जिसमें कृषि मंत्री चंद्र कुमार और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी इसके सदस्य है। बैठक में मंत्री चंद्र कुमार उपस्थित नहीं रहे। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान वित्तीय कुप्रबंध रहा, जिसकी वजह से कर्ज का पहाड़ खड़ा हो गया। पिछली सरकार की गलत नीतियों की वजह से प्रदेश ओवरड्राफ्ट हो गया है। वर्तमान सरकार पिछले सरकार के कर्ज की भरपाई के लिए कर्ज ले रही है। जयराम सरकार गलत आंकड़े पेश करती रही और प्रदेश पर कर्ज बढ़ता रहा। कैबिनेट सब कमेटी 2 और बैठक आयोजित करने और 1 माह में अपनी रिपोर्ट कैबिनेट में मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत करेगी। पूर्व की सरकार ने पिछले 5 साल में प्रदेश के फाइनेंसेस से बहुत खिलवाड़ हुआ और फाइनेंसेस की दुर्दशा कर दी गई, और खासतौर पर हम ये कहेंगे कि जो पिछली सरकार है फाइनेंशियल फ्रंट पे पूरी तरह नाकाम हो गई, और उनके उस वजह से जो है आज जो भारी भरकम कर्ज का जो पहाड़ खड़ा हो गया हिमाचल प्रदेश के आगे, पिछली सरकार की गलत नीतियों और कार्यक्रमों की वजह से हुआ। तो उसकी सारी समीक्षा की गई है कि किस ढंग से इन्होंने हमारे जो खर्चे थे उनको नियंत्रित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया, रिसोर्सेज को जनरेट करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया, और जो पैसा प्रदेश को मिलना चाहिए था उसकी लड़ाई जो है किसी स्तर पे लड़ी नहीं गई। शुरुआती मीटिंग में हमने ये देखा है कि क्या 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 स्थितियां है, बोरिंग की क्या स्थिति है, आय क्या है, संसाधन क्या है, क्या क्या पिछले सालों में हुआ है, लेकिन इतना बड़ा स्पष्ट है कि हिमाचल प्रदेश की जो मौजूदा स्थिति फाइनेंसेस की वजह से जो आज हम ओवरड्राफ्ट में जा रहे हैं या आज हमें कर्जे जो उठाए जा रहे हैं वो इनके द्वारा भारी भरकम उठाए गए कर्जों की अदायगी के लिए किया जा रहा है, वो रीपेमेंट करना जो है एक चुनौती बनी हुई है। तो इसलिए अभी तो इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता, ये बिल्कुल सीक्रेट डॉक्यूमेंट है और हम लगभग 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट माननीय फुल कैबिनेट को के सामने प्रेजेंट कर देंगे। शिमला से नीरज डोगरा की रिपोर्ट। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए ENTV के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें।